नमस्ते नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वेलकम टू प्योर सोल विद योगा फेसबुक लाइव सेशन विद मी पूजा। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? बारिश तो झमाझम हो रही है बम्बई में, और बारिश का मौसम क्योंकि शुरू हो चुका है, जैसे मैंने कहा कि सुस्ती छा जाती है, अच्छा मौसम है, ठंडक है, तो एक्सरसाइज तो दूर की बात रही। अच्छा लगता है कि ऐसे मौसम में यू नो भूख ज़्यादा लगती है, कुछ चटपटा खाया जाए, और क्योंकि लॉकडाउन है, बाहर तो खा नहीं सकते, रेस्टोरेंट्स में खा नहीं सकते, और बारिश के वक्त तो वैसे भी कहा जाता है कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। तो इस बार हमें कुदरती तौर पे वरदान कह लीजिए, पनिशमेंट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन हम घरों में हैं और घर का खाना खा रहे हैं और स्वच्छ खाना खा रहे हैं। ये एक तरह से मुझे लगता है कि वी शुड टेक इट एज अ ब्लेसिंग एंड स्वस्थ रहने का एक बहुत अच्छा उपाय है। तो बारिश के मौसम में कौन कौन सी चीज़ों का, कौन कौन सी बातों का हम ध्यान रखें ताकि हम अपनी सेहत के साथ कोई भी असावधानी या केयरलेसनेस नहीं बरते। ठीक है, तो हमें अदरक की चाय पीनी है अगर चाय पीने के शौकीन हैं आप। ठीक है, अब कॉफ़ी में तो अदरक नहीं डाल सकते। वैसे मैंने अमेरिका में एक बार डंकिन डोनट्स में जिंजर फ्लेवर्ड कॉफ़ी भी टेस्ट की है। काफ़ी लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना है, लेकिन है, लेकिन मुझे नहीं पता यहाँ पर बनाते कैसे हैं, और ख़ासकर मैं कोई रेसिपी प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ जिंजर फ्लेवर्ड कॉफ़ी की। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि जिंजर लेना ज़रूरी है, बिकॉज जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आपको आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, आपको इन्फेक्शन से बचा सकते हैं, वो चीज़ों का सेवन करना ज़रूरी है। जैसे ग्रीन टी है, ठीक है, और वॉर्म चीज़ें हैं जैसे गुनगुना पानी पीना, ठंडा पानी या रूम टेम्परेचर पानी भी ना पीना, क्योंकि हमेशा हमें ये बात का ध्यान रखना है कि अगर हमें अपने आप को सर्दी खांसी से बचाना है, जो कि बारिश के मौसम में बहुत आम बात है, हमें हमेशा ऐसे चीज़ों का सेवन करना चाहिए जो हमारे बॉडी टेम्परेचर से मैच करे। तो अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर यू नो थोड़ा ठंडा हुआ है बिकॉज ऑफ द आउटसाइड वेदर, अगर ऐसे में हम ठंडी चीज़ें खाएंगे तो वो एक तरह से आपके यू नो यू विल बिकम मोर ससेप्टेबल टू कैच कोल्ड एंड आपको वनरेबल बना देगा। तो ऐसी केयरलेसनेस ना करें, तो हॉट बेवरेजेस लें और आइसक्रीम वगैरह से दूर रहें, क्योंकि वैसे भी जैसे मैंने कहा कि कोरोना की जो सिचुएशन अभी भी काफ़ी जगह पे लॉकडाउन चल रहा है, और एक तरह से रिस्की भी है हॉस्पिटल्स में जाना, यू नो डिस्पेंसरीज में जाना। अगर कई जगह पर वह खुल भी गए हैं तो पब्लिकली सोशल डिस्टेंसिंग का जो हमें यू नो ध्यान रखना है, तो इट्स बेटर टू अवॉइड गोइंग आउटसाइड बिकॉज यू नेवर नो कहाँ से किसको कैसे इन्फेक्शन हो जाए। वैसे तो घर में भी कई लोग डिलीवरी देने आते हैं, हम जाते हैं ग्रोसरीज लेने के लिए बाहर, तो कहीं ना कहीं कुछ एक्सचेंज तो होता ही है। तो जितना हम उसको अवॉइड कर सकें उतना अच्छा है, और ये तो बड़ी आम सी बात है। अब योग में क्योंकि हम डाइट वगैरह की भी बात करते हैं, इसलिए मैंने कहा कि जिंजर ज़रूर लीजिए, और उसके अलावा आप ऐसे तो आयुर्वेदा में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सर्दी से आपको कॉम्बैट कर सकती है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो जलनीति का वीडियो मैंने बनाया था, जो जलनीति के बारे में मैंने बताया था, जलनीति करना बहुत ज़रूरी है ऑन अ रेगुलर बेसिस। ना हो सके रेगुलर बेसिस पे तो हर दूसरे दिन, मतलब ऑल्टरनेट डेज या हफ्ते में कम से कम दो बार तो जलनीति ज़रूर करें आप। जलनीति करने से आपकी बीमार पड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, और
आपका आत्मविश्वास बेसिकली बढ़ जाएगा। तो जल नीति ज़रूर करें, अपने आप को वॉर्म रखें जितना हो सके, और यू नो अगर आप ठंडे रीजन में ठंडे इलाके में रहते हैं तो आप रात को मोज़े पहनकर ज़रूर सोएं। अपने आप को वॉर्म रखना ज़रूरी है क्योंकि पैरों के तलवों से कभी कभी सर्दी ज़्यादा लग जाती है, और कभी हमारी छाती से भी सर्दी हमें लगती है। तो यस, दैट्स व्हाट इज़ अ कॉमन थिंग व्हेन द वेदर फ्लक्चुएशन होता है, तो इन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। वैसे बम्बई में इतनी सर्दी नहीं होती है कि हमें कान ढकने की नौबत आए, लेकिन जो ठंडे इलाकों में रहते हैं वो तो ये बात जानते ही हैं कि आपको कान भी ढकना पड़ता है अगर आप बाहर जाते हैं तो। लेकिन घर के अंदर क्या उपाय किया जाए, अब बॉडी जो स्टिफ हो रही है, एक्सरसाइज करने में दिक्कत हो रही है, तो एक ये बात है कि वाई यू नो फर्स्ट आई एम नॉट एबल टू कम रेगुलरली ऑन टेकिंग ऑनलाइन सेशन इज़ बिकॉज आई डोंट हैव एन इंटरेक्टिव ऑडियंस। ये मैंने बात ये आज मैं तीसरी या चौथी बार ये बात कह रही हूँ। आप सबका नमस्ते गुड इवनिंग तो मुझे मिलता है, लेकिन साथ ही साथ मुझे एक फीडबैक की ज़रूरत होती है कि आप क्यों चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन आऊं, और किस तरह से आपको बेनिफिट मिला है या बेनिफिट मिलना चाहिए, तो वो नीड मुझे समझना ज़रूरी है ताकि मैं एक शेड्यूल एक प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकूं ऑनलाइन आने के लिए। मुझे ऑनलाइन आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं एक इंटरेक्टिव ऑडियंस चाहती हूं, और आई थिंक इतना तो बनता है कि मुझे, क्योंकि जो जहां तक मेरी ज़रूरत का सवाल है तो आई एम डूइंग माय एक्सरसाइजेस, आई एम टेकिंग केयर ऑफ माय हेल्थ एंड एवरीथिंग इज़ फाइन विद मी एंड माय लाइफ, बट आई एम ऑल्सो यू नो एक यू नो जस्ट बिकॉज आई एम फाइन डज दैट मीन कि मुझे सिर्फ अपने काम से काम रखना चाहिए और मुझे सिर्फ अपनी सेहत पर काम करना चाहिए एंड आई शुड नॉट डू एनीथिंग फॉर अदर्स, यू नो, सो दैट वन पर्टिकुलर थिंग इज़ अ क्वेश्चन मार्क। एंड सेकेंड ऑफ ऑल आई नीड टू नो कि यू नो वॉट इज़ द नीड ऑफ द ऑडियंस। तो आज मैं एक मेरे फॉलोअर हैं, मैं उनके साथ बात कर रही थी और मैं उनसे जानने की कोशिश कर रही थी कि लोगों की क्या ज़रूरतें हो सकती हैं, बिकॉज अगर हम ऐसे जिएंगे जहाँ हमें अपनी नीड का ही पता नहीं है, जहाँ हम यही नहीं जानते हैं कि हमारी नीड क्या है, हमें क्या चाहिए, तो फिर इट्स अ डेंजरस सिचुएशन। यू नो हर इंसान को पता होना चाहिए कि नीड्स क्या हैं, वॉन्ट्स तो अनलिमिटेड हैं बट नीड्स क्या हैं। सो सेहत बनाने के लिए सिर्फ शारीरिक एक्सरसाइज ही नहीं पर मानसिक तौर पर काफ़ी कुछ क्लैरिटी चाहिए होती है। बहुत सारे लोग हैं जो जिनको काउंसलिंग चाहिए, जो अपनी बात रखना चाहते हैं, अपने यू नो आपको फ्री करना चाहते हैं बोलकर कि उनको क्या तनाव है, क्या टेंशन है। इट ऑलवेज स्टार्ट्स बाय ब्लेमिंग अदर्स एंड होल्डिंग अदर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर प्रॉब्लम एंड देयर पेन, बट अल्टीमेटली वो अंदर की ओर जर्नी जाती है। तो सेल्फ रियलाइजेशन का जो पहला स्टेप है वो ये है कि हम सेल्फ अवेयर हो जाएं हमारे एक्शंस को लेकर, हमारे विचारों को लेकर, हमारी हमारे इमोशंस, हमारी एनर्जी को लेकर कि किस तरह से वो काम करती हैं, तो फिर हम उस चीज़ के ऊपर यू नो उस तरह से वर्कआउट कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को नियंत्रण में ला सकते हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, बिकॉज योगा इज़ ऑल अबाउट बैलेंसिंग। यू नो इट इज़ नेवर योगा नेवर क्लेम्स कि आप टोटली किसी भी चीज़ से। वो मेरी माता जी ऑनलाइन आई हैं, मुझे देख रही हैं, नमस्ते माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद ऑनलाइन आने के लिए, मेरे साथ फेसबुक लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। तो लेट्स सी इफ आई कैन ब्रिंग यू ऑन कैमरा, ओके सॉरी आई कांट ब्रिंग यू ऑन कैमरा। सो हाँ, तो ये है कि कपाल भाती आप रोज़ करें। कपाल भाती रोज़ करने से आपका जो ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है, आपके जो लंग्स हैं वो क्लियर होंगे और
थोड़ा हैवी पेस एक्सरसाइजेस करना ज़रूरी है। अगर आप रेगुलरली योग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा हैवी पेस एक्सरसाइजेस करने से आपके बदन में थोड़ी गर्मी आएगी, थोड़ा पसीना निकलेगा, जो कि इस वेदर के लिए बहुत ज़रूरी है और आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आप जितना अपनी बॉडी को नेचुरल तरीके से वार्म रखेंगे उतना आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें, जैसे मैंने आपका कहा कि अदरक का सेवन करना है, गर्म चीज़ें लेनी हैं, और काफ़ी आयुर्वेद में जड़ी बूटियां हैं जो हम अपने बदन में गर्मी लाने के लिए ले सकते हैं, काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हम ले सकते हैं, उससे हमको सर्दी से कॉम्बैट करने के लिए हेल्प होगी। और वैसे भी ऐसे टाइम पर सर्दी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वायरस वैसे भी फैला हुआ है, तो सर्दी खांसी जैसे जुकाम जैसे चीज़ों से बचें, क्योंकि कभी कभी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाती है, बॉडी में इतने टॉक्सिन्स भर जाते हैं कि वो सर्दी खांसी ऑलमोस्ट इज़ एज पेनफुल एज कैंसर, इनफैक्ट मोर पेनफुल देन कैंसर, एंड इट ड्रैग्स फॉर डेज। धीरे धीरे बदन को वो तोड़ता रहता है, जो म्यूकस भरा हुआ है अंदर, फ्लेम भरा हुआ है, वो धीरे धीरे बदन को तोड़ता रहता है। और जैसे आप देखते हैं कि सर्दियों में आपके जो साइनसेस हैं वो सब ब्लॉक हो जाते हैं, तो उसके कारण आपको काफ़ी पेन महसूस होता है, किसी किसी को बुखार बहुत आसानी से आ जाता है, और देन जब बुखार आता है तो बॉडी टूटने लग जाती है। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कपालभाति से हम शुरुआत करेंगे, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं दे कैन स्टार्ट। एंड कपालभाति करने के लिए, जैसे मैंने कहा, यू जस्ट हैव टू ब्लो आउट ऑफ योर नॉस्ट्रल्स, कीप योर बैक स्ट्रेट, मसल्स रिलैक्स, बॉडी को एकदम रिलैक्स रखिए, कहीं तनाव कोई टेंशन नहीं। पेट पर ध्यान मत दीजिए, पेट को हिलने दीजिए अपने नेचुरल तरीके से, आप सिर्फ नॉस्ट्रल्स पर ध्यान दीजिए। जो लोग इतनी देर तक कपालभाति नहीं कर पाते हैं, काफ़ी लोग स्टार्टिंग में उनका वो टूट जाता है, रिदम टूट जाता है, वो ब्रेथलेसनेस होती है, तो जो मेरा सीक्रेट है कंटिन्यूसली कपालभाति में, कीप थ्रोइंग द एयर आउट। एक्चुअली एक बात तो ये है कि हैबिट के साथ ही आपको धीरे धीरे यू विल गेट द हैंग ऑफ इट, यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे उसको मैनेज करना है। और दूसरी बात ये है कि आप उसको बाइफिकेट कीजिए, 10-10 में बाइफिकेट कीजिए। अगर मुझे 100 करना है, 50 करना है, तो मैं उसको 10-10 में बाइफिकेट करती हूँ। इट्स अ मेंटल फिनोमेना, साइकोलॉजी है, सब कुछ साइकोलॉजी है। इसीलिए कहते हैं कि कुछ भी मुश्किल नहीं होता लाइफ में, इट इज़ जस्ट माइंडसेट। हम अपना माइंडसेट अगर उसके लिए ब्रेक कर देंगे, अगर उसको अलग ढंग से देखेंगे, तो हर चीज़ आसान है, हर चीज़ मुमकिन है। तो
ये हुआ कपालभाति, जो कि बहुत ही ज़रूरी है ड्यूरिंग द मॉनसून टाइम। अब हम करेंगे थोड़ी कूदाभाति। बेसिकली आप क्या कर सकते हो मॉनसून में, मैं आपको एक आसान तरीका बताती हूँ। जितने भी आसन आपने मेरे देखे हैं, आसन की वीडियोस आपने देखे हैं, जितने भी आसन आपने अभी तक सीखे हैं, कोई भी एक आसन समझ लीजिए आपको पकड़ के चलना है। जैसे कि हस्तपदासन है, फॉरवर्ड फोल्ड। ओके, मैं आपको करके बताती हूँ। तो फॉरवर्ड फोल्ड में जब भी आप जितना देर उसमें आप अपना रिदम, ब्रेथ के रिदम के साथ जितना देर आप बिताएंगे, जितना देर आप यू नो सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, आप अपने बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालेंगे, फेंकेंगे, और ज़्यादा आपकी बॉडी अच्छे से यू नो आप योर बॉडी इज़ एक्चुअली फीलिंग गुड अबाउट इट। आप अच्छे से ब्रीथ कर पा रहे हो, लंबी गहरी सांस चल रही है, बॉडी को और कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए कि आप लंबी गहरी सांस में बॉडी को अच्छे से जीने दो, फलने फूलने दो, उसको एक सुकून सा मिलता है। ठीक है, सो अच्छे हॉर्मोन्स रिलीज़ होते हैं बॉडी में, और फिर यू नो द बॉडी फील्स रियली गुड। इसीलिए कहा जाता है कि एक्सरसाइज करने से सेहत क्यों बनती है, क्योंकि एक सिग्नल जाता है माइंड में, एंड यू नो गुड हॉर्मोन्स रिलीज इन द बॉडी, इन द ब्लड स्ट्रीम, जो आपकी सेहत बनाते हैं। तो वो एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से हम सब एक्सरसाइज करते हैं। तो जंपिंग जैक से थोड़ा शुरू करते हैं हम। ओके, हम थोड़ा यू नो वी कैन डू हाई नी एंड वी कैन डू लिटिल जंपिंग जैक, देखते हैं। गर्मी पैदा करनी है बदन में, इसलिए मैंने गर्मी से प्ले किया कि हमें इम्पोर्टेंट समझ में आए कि दैट्स हाउ वी हैव टू बैलेंस आर बॉडी टेम्परेचर बाय क्रिएटिंग वॉर्म्थ। डूइंग हैवी पेस एक्सरसाइजेस हेल्प्स यू ओपन अप योर हैमस्ट्रिंग्स
जो कि जाम हो जाते हैं आपके थाइस के पीछे का पोर्शन, और फॉरवर्ड बेंडिंग में काफ़ी हेल्प करते हैं। ओ वाओ, यू आर काउंटिंग। अच्छा, मैं इससे भी ज़्यादा कर सकती हूँ, सिर्फ ये है कि मेरी जुल्फ़ें खुल गई। आई कैन नॉट डू इट इन वन। लेकिन मैं ऑनलाइन आती हूँ आप लोग को बताने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए कि ये सारी चीज़ें आप लोग को करनी है ऑन अ रेगुलर बेसिस, अगर आपको अपनी सेहत का ध्यान खुद रखना है। बिकॉज अभी यू हैव टू लर्न कि डॉक्टरों पर आप निर्भर नहीं रह सकते हो। ओके इश भैसिन, डोंट बिकम डिपेंडेंट ऑन डॉक्टर्स, डोंट बिकम डिपेंडेंट ऑन एनीबडी इन लाइफ टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टे फिट। सो जंपिंग जैक के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा बैठ कर करेंगे। ओके, लेट्स सी। Oh,
उठे तो कत्ले आम कर दी। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम कर दी। मिस्टर भैसेन, आपको किसी ने नहीं रोका। कमलेश रविशंकर रावल, कीप शेयरिंग। रावल साहब, मुझे कभी आपसे कोई फीडबैक नहीं मिला, आज पहली बार मैं आपका मैसेज देख रही हूँ और मैं लगातार 3-4 सेशन से यही पूछ रही हूँ कि मुझे फीडबैक दीजिए, क्या ज़रूरत है मुझे फीडबैक दीजिए। सी, जब इंसान की खुद की ज़रूरतें सब पूरी हो जाती है ना, तो दूसरों की ज़रूरतों को हम कैसे जानेंगे? वो तभी जानेंगे जब कोई बताएगा कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं। मेरी अपनी कोई पर्सनल नीड नहीं है ऑनलाइन सेशन लेने की या आने की। नीड आपकी है तो आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप क्या, आपकी क्या क्वेरीज हैं, मानसिक तौर पे क्या प्रॉब्लम है, शारीरिक तौर पे क्या प्रॉब्लम है, तभी उसका सलूशन निकालने के लिए मैं ऑनलाइन आ सकती हूँ। अभी ये जो आसन्स हैं, ये कई बार मैं दिखा चुकी हूँ अपने ऑनलाइन सेशन में, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि कौन मेरे साथ साइमल्टेनियसली वो कर रहा है। अगर कोई कर रहा है, जैसे इश भैसिन ने ये बताया कि वो करते हैं और उनकी सांस फूलती है, प्रैक्टिस नहीं है उनको, तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे स्टैमिना बिल्ड हो जाएगा। और क्या क्या आप लोग को जानना है, क्या आपने सीखा है अब तक, क्या किन चीज़ों से आपको फ़ायदा हुआ है बताइए मुझे, और क्या आप सलूशन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्या प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे बताइए, तो मैं उसका सलूशन देने के लिए ऑनलाइन ज़रूर आऊँगी। और जब तक मेरी जान में जान है, मेरा कर्तव्य है सेवा करना, बट सेवा मैं तभी कर सकती हूँ जब मुझे पता चले कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं। तो मुझ पर इतनी कृपा कीजिए। अब जब मैंने ये सब रूटीन किया है तो थोड़ा सा अनुलोम विलोम कर लेते हैं, एंड उसके बाद फिर मैं आज का सेशन ही समाप्त करती हूँ। काफ़ी लंबा हो गया, मैंने सोचा था आधे घंटे का लूँगी। सो लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करते हुए राइट नॉस्ट्रल से शुरू करेंगे। इनहेल फॉर 2, ये एक राउंड हो गया। अब हम लेफ्ट से करेंगे राइट को क्लोज करके।
योग के प्राणायाम से लेके कपालभाति से लेके आसनों में इतनी ताकत होती है, इतनी शक्ति होती है कि कितना भी डिस्टर्ब माइंड हो वो एकाग्र हो जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, फोकस हो जाता है। और जब इंसान का दिमाग फोकस होता है, एकाग्र होता है, तो शांत होता है, पीसफुल होता है। और जब शांत दिमाग होता है तो वहीं आपको अंदर से असली आनंद, असली हैप्पीनेस का अनुभव होता है। और उसी चीज़ के लिए हम दुनिया भर की जितनी भी जो भी मेहनत हम कर रहे हैं, जितना भी हमारा तामझाम है, वो उसी चीज़ को लेकर है कि हम सुकून से ज़िंदगी जी सकें। तो एम फॉर द यू नो एक्चुअल गोल इन लाइफ, एवरीथिंग एल्स इज़ जस्ट गोइंग टू क्रिएट लॉट ऑफ स्ट्रेस। इफ़ योर गोल इज़ रॉन्ग इन लाइफ और इफ़ यू आर एमलेस इन लाइफ एंड इफ़ यू हैव नो आइडिया वेयर यू आर हेडिंग, उसी तरह से जिस तरह से हम ये ऑनलाइन सेशंस कर तो रहे हैं, लेकिन उसको दिशा तब मिलेगी जब आप मुझे अपनी ज़रूरतों के बारे में बताएंगे, ना कि मैं आकर रैंडमली अपने हिसाब से जो मर्ज़ी आए वो करूँगी, बिकॉज उससे किसी को बेनिफिट नहीं होगा। मुझे तो डेफिनेटली नहीं होगा क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं तो आपके लिए कर रही हूँ। और आप अगर मुझे नहीं बताएंगे तो फिर आपको जो चीज़ की ज़रूरत है वो आपको हासिल नहीं होगी। तो इसीलिए प्लीज़ मुझे लिखें, अपनी ज़रूरतें बताएं, उस हिसाब से मैं अपना मॉड्यूल तैयार करूं। एंड आई कीप कमिंग ऑनलाइन, क्योंकि अब बारिश का टाइम है तो वैसे भी अगर लॉकडाउन नहीं है तो घरों में इंसान वैसे ही कैद हो जाता है। तो आई एम साइनिंग ऑफ नाउ। नमस्ते वेरी मच एंड थैंक यू फॉर ऑल योर लव, आपके सपोर्ट के लिए, आपके शुभ संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ लिखते रहिए, मुझे बताते रहिए, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, हैव अ गुड इवनिंग, स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग, खुश रहिए, ठीक है। अंटिल वी मीट अगेन, नमस्ते।